सो भाई हो गया यहाँ पे सीन, लग गया है अब। सो भाई दोस्तों, वेलकम टू मनी ब्लॉग वीडियो। सो भाई लोग, आज का वीडियो कुछ ऐसा होने वाला है कि अभी हम जा रहे हैं खोंपा घूमने के लिए, तो पूरा दिखाऊंगा भाई वीडियो एकदम मस्त ओपी तरीके से। तो अभी चलते हैं वहीं, और मेरे साथ में प्रियांशु ब्रो। तो है प्रियांशु ब्रो, अभी कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग जाने वाले हैं खोपा। सो भाई लोग, अभी खोपा में जाके दिखाएंगे मतलब पूरा नज़ारा भाई। अभी बोला जाए तो एकदम तगड़ा वाला भाई पानी आ रहा है, मतलब का ही बताएं। तो अभी चलते हैं खोपा पुलिया के पास और वहीं का पूरा व्यू, तो चलो चलते हैं वहीं। और भाई सामने से ट्रैक्टर आता हुआ, तो ये दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे वीडियो में दिखाता रहूं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, और यो ब्रो भाई दबा के भाई लाइक कर रहे हैं यार, दबा के भाई। लोग इधर रोको को चालू है, वीडियो आएगा एकदम ओपी तरीके वाला भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई दबा के, जिसके साथ चैनल सब्सक्राइब होने जाना चाहिए। से भाई लोग, ये खोपा का मिनी स्टेडियम, और अभी पहुँचने ही वाले हैं हम खोपा में भाई, जब बोले जाए तो पहुँच ही गए हैं भाई लोग हम खोपा में। और अभी चलते हैं आगे साइड भाई लोग, यहाँ लगता है खोपा का मार्केट। अरे भाई, ये खोपा में हम लोग कर चुके हैं हम लोग आगमन, बोला प्रस्थान कर चुके हैं। और भाई लोग, आप लोग को बता दूँ खोपा कहाँ बोला जाए तो एकदम जाना पहचाना गांव है भाई लोग, एकदम प्रसिद्ध गांव है भाई लोग। अभी अपना दोस्त मिल चुका है जो कि ये भी ब्लॉग ही बनाता है, और अभी चलते हैं आगे साइड, क्या कि भाई भी अभी उधर ही जा रहा है वीडियो बनाने के लिए। तो भाई लोग इधर जाते हैं धाम साइड, जो कि इधर धाम है, और इधर का भाई व्यू अभी देख ही सकते हो, काफ़ी तगड़ा है एकदम। सो भाई लोग, अभी पहुंच चुके हैं खोपा के पुलिया पास, और चारों साइड का व्यू भाई एकदम पूरा पानी ही पानी, एकदम भाई एकदम क्रेज यार इतना ज़्यादा। और हल्का हल्का अभी भी भाई पानी गिर रहा है, ऐसा नहीं गिर रहा है, हल्का हल्का भाई गिर रहा है पानी, और एकदम भाई पानी मतलब उधर से पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा भर ही जाता है। और अभी देख ही सकते हो भाई एकदम ज़्यादा भाई पानी ऊपर आ चुका है, और फिर भी भाई उधर खेती कर रहे हैं, वहाँ तक पूरा पानी चढ़ गया था फिर भी वहाँ पर खेती कर रहे हैं अभी भी। सो गाइस, ये मेरा दोस्त जो कि, और इस भाई का भी सपोर्ट करना है यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, बहुत मेहनत करता है यार। और भाई मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, 100 लाइक प्लस होना चाहिए भाई, 100 लाइक भाई देख लो, भाई बोल रहे हैं 100 लाइक होना चाहिए, तो होना चाहिए भाई। अब पब्लिक लोग ही कर सकते हैं, सो भाई लोग डिमांड है भाई, 100 लाइक टारगेट है, 100 लाइक भाई कर दो यार इस वीडियो में। अच्छा लग रहा है इधर देख के, लेकिन क्या करे भाई चारों साइड पानी ही पानी। और भाई इतना ज़्यादा भाई पानी गिर गया पूछो मत भाई, जब पानी गिर नहीं रहा था तब तक एकदम भाई ऐसा लग रहा था इस साल भी अकाल हो ही गया, लेकिन भाई पानी जब गिरा, और भाई इतना खतरनाक पानी गिरा कि भाई एकदम नदी नाला जो भी हो भाई भर के डमाडोल हो गया। और भाई उधर भी यार एकदम उधर का धसक धुसक आ गया, पूरा पानी भर गया था एकदम ज़्यादा भाई पानी, मतलब बहुत ज़्यादा भाई पानी आया है यार, मतलब जितना पानी गिरा है ना इतना में धान हो जाना चाहिए, बट पूरा एक ही बार लग रहा है गिर जा रहा है पानी, ताकि धान उन्हें हो पता नहीं आगे गिरेगा कि नहीं गिरेगा यार। प्रियांशु ब्रो, हाँ भाई, अगर आगे मतलब रोपा जगने के बाद अगर पानी नहीं गिरेगा तो फिर तो उधर भी उस समय भी अकाल नुकसान हो ही जाएगा। हाँ। क्या मतलब होगा पानी आने का है कि नहीं, अभी तो ऐसा आ जा रहा है कि एक ही बार पूरा पानी दे दे रहा है, फिर उधर उस समय कैसे होगा फिर ऐसी। सो भाई लोग, उस टाइम धान पान हो गया मतलब मर मुरा जाएंगे,
और भाई लोग एकदम भाई पानी भी अभी गिर रहा है, तो भाई लोग अभी इधर से निकलते हैं आप उन लोग कहे किए हैं और चलते हैं दूसरे लोकेशन पे। भाई लोग अभी चलते हैं, सोचते हैं ना तो फिर चलते हैं धाम साइड भी, आप लोग धाम को भी दिखाएंगे भाई लोग कि कहाँ पे धाम है खोंपा का। और अभी चलते हैं उधर ही, और भाई पानी भी गिर रहा है तो चलते हैं डायरेक्ट उधर ही। और काफी लोग भाई आते हैं मन्नत मांगते हैं। सो भाई लोग यहाँ पे सीन हो गया, लग गया आग। सो भाई हो गया यहाँ पे सीन, लग गया आग। गाड़ी का सीता ये तो दुकान ला बंद कर रही तो की तले झोंक ले भागत लगता है कि खेत खेत पटल था खेत से पूरे एक तो तार बीच ना घोड़ा के बरमो तार रो वो देर देख से देख अरे भैया ये है कि वो हाफा नहीं सही गिर में सही। दोस्तों आप लोग ने देखा ही कि अभी किस तरह वहाँ पे आग जल रहा था। सो भाई लोग जो लड़का था वो भाई पेट्रोल फायर तक को लेने के लिए आया था, तो भाई लोग उसको मतलब ढार रहा था देने के लिए, और भाई उसी बीच भाई रखा था वहाँ पे गैस सिलेंडर जो कि समोसा शायद तक से भाई बन रहा था, तो उसी से भाई एकदम लॉक पकड़ लिया और भाई आग लग गया। सो प्रियंशु भाई कैसा आग वहाँ जल रहा था? पूरा भाई एकदम ऐसा लग रहा था कि सिलेंडर फट जाएगा, गाड़ी भी पूरा जल जा रहा था भाई। और भाई हाँ भाई गाड़ी जो था भाई एक साइड का भाई जल ही गया था भाई चस भाई यहाँ से इस साइड एक साइड का पूरा जल ही गया था गाड़ी एकदम, ऊपर का सीट वीट सब गर्म हो गया था फटने लगा था, तो भाई बच ही गया नहीं तो फिर काहे बोलता है। लेकिन एकदम भाई का बोला जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। अरे क्या भाई हम घुसने वाले गुफा में और खोज चुके हैं, बम्पर रख लेना पैसा आराम से आराम से। अरे क्या भाई, अरे भाई भाई काहे बोले अपनी तरीके से पार कर चुके हैं। आगे साइड पूरा कीचड़ कीचड़ से भाई लोग करंजी और ढबना के बीच में भाई जो पुलिया है भाई उसका भी काफ़ी गंभीर हालत हो गया है। और ये देख ही सकते हो भाई पानी पूरा भर चुका था भाई इधर से उधर, और ये बीच में दरार भी आ गया है उसको भी दिखाता हूँ अभी, फिलहाल भी चलते हैं नीचे। और भाई नीचे का व्यू अभी कुछ इस टाइप से है, पानी काफ़ी तेज चल रहा है इस टाइप से व्यू दिख रहा है अभी इधर का। और भाई लोग उधर पूरा पानी भर गया था इधर का ही बोले, और दिखाता हूँ जो भाई बोल रहा था
और भाई ये वाला देख ही सकते भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा भाई एकदम बढ़ चुका है, गैप बच गया है एकदम। सो भाई लोग चलते हैं यहीं से अब डायरेक्ट करंजी में। सो भाई लोग अभी गाड़ी खड़ा कर चुके हैं और अभी चलते हैं करंजी के स्टेशन के अंदर में। और भाई कमेंट में जरूर बताना यार वीडियो आप लोग कैसा लगा, और मिलेंगे ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक लिया बाय।